लव स्टोरी 2 आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे। अगर किसी ने नहीं देखी तो अगर मेरा रिव्यू देखने आया है तो मैं आपको बताता हूँ देखनी है या नहीं देखनी है। अगर आपने पहला पार्ट उसका नहीं देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे रिलेट ही नहीं करती। अब लव स्टोरी है तो उसमें कुछ ऐसा वैसा सीन ऐसा हो नहीं सकता। कास्ट इसकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगर मैं उनका नाम लेने लगूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या रिव्यू करने आया था। इसीलिए सीधा मतलब स्टोरीज पे चलते हैं। पहली स्टोरी है जिसमें नीना गुप्ता जी दादी बने हुए हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं, इंडियन दादी बने हुए हैं, कि वो बहुत ज्यादा अभी मॉडर्न हो चुके हैं और उस तरीके से उनको मतलब प्रेजेंट करना है। उनके घर पे एक लड़का उनकी पोती है उसको देखने के लिए आता, तो वो कुछ टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं। टेस्ट ड्राइव आप समझ रहे हो ना, कि शादी से पहले सेक्स करके देखा जाए कि ये बंदा सही है मेरे लिए या नहीं। अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो तब तक देखना है, 1, 2, 3 जब तक पूरी खुशी ना मिल जाती हो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो मुझे लगता है ये मैसेज कुछ ज्यादा ही मतलब वो हो गया। तो मतलब अब लव स्टोरी उन्होंने ऐसे सीन दिखाया है, तो मतलब ये स्टोरी भी मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी है, जमीनी, तो इसको हटा देते हैं साइड में। अब आते हैं हमारी दूसरी स्टोरी में, जिसमें 2 फीमेल एक्टर है और उन्होंने बहुत ही अच्छा उस करेक्टर को निभाया हुआ है। मैं वापस आ जाता हूँ कि लव स्टोरी है तो आप समझ सकते हो, उसमें एक लड़की को मिलता है दूसरी को नहीं मिलता, तो वैसे है boy. बट उसमें जो एक्टिंग है और उसकी जो स्टोरी है और कंटेंट में जो दम है वो एक तरफा है। तो ये वाला आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, ये वाला मतलब जो उसके मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड है, वो वाला सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। अब आ जाते हैं उसके तीसरे पार्ट पे, जिसमें विजयराज वर्मा बहुत अच्छे एक्टर है यार, उनको यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया गया, मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या सोच के इसको हाँ बोला है। मुझे लगता है तमन्ना जी के लिए उसने हाँ बोला, क्योंकि ये स्टोरी तमन्ना जी के ग्लैमर को दिखाने के लिए यूज की जा रही है ये स्टोरी। मतलब दम नहीं है कंटेंट में, कुछ सीन ग्रीन स्क्रीन पे दिखाए गए वो ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, अभी वही दिखाना है, मतलब लस्ट है तो धमचिक। मुझे लगता है इन्होंने 2 तरह की ऑडियंस को टारगेट किया है, एक तो जो कंटेंट देखना चाहती है, अच्छी चीजें देखना चाहती है उनको, और जिनको तगड़म तगड़म गबा गबा गब पसंद है उनको भी मतलब टारगेट किया। बात तो सही है ऐसा लग रहा है मुझे देखने से। अब चौथी स्टोरी पे आ जाते हैं, जिसमें काजोल जी है, वो भी बहुत बेहतरीन मतलब स्टोरी है, उसका भी आपको देख के ऐसा लगेगा कि क्या बात है, और उसमें आपको लगेगा कि नहीं यार ये सीन तो मैंने इमेजिन कर लिया, यही होने वाला है, लेकिन उससे उल्टा होगा, जो सोचोगे वो होगा नहीं, दिमाग का ऐसे भजिया पाव हो जाएगा। और इसमें भी थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है, क्योंकि लव स्टोरी है तो थोड़ा बहुत तो वो दिखाएंगे, लेकिन वो रियलिटी से और सच्चाई से वो जो चीजें वो दिखाते हैं वो एक तरफा होती है, देख कर आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।